विवेक का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूँ आपके साथ योगेश मिश्रा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का 8 वोट डालते दिख रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही अखिलेश से लेकर राहुल ने इसे शेयर किया और चुनाव आयोग को चैलेंज भी दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग सक्रिय हो गया और इस मामले का पर्दाफाश करते हुए एक बड़ा एक्शन लिया गया है। कौन है ये जो इतने वोटे कर रहा है, कहां का मामला है, क्या एक्शन हुआ, सब बताएंगे। पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का भाजपा प्रत्याशी को बारी बारी से 8 वोट डालते दिख रहा है, साथ ही उसका वीडियो भी बनाता है। इसके साथ साथ वह बार बार पोलिंग बूथ पर आता है और हर बार बीजेपी के प्रत्याशी के लिए ईवीएम का बटन दबाकर वोट करता है। इसमें हर बार वीवीपैट से वोटिंग की पर्ची भी दिखाई देती है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद का बताया जा रहा है। इसमें बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत का नाम लिखा है। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो अलीगंज विधानसभा के एक गाँव का है जो की एटा जिले में पड़ता है। यह बूथ संख्या 343 खेरिया पमारन गांव का बताया जा रहा है। वहीं अब तक की जांच में सामने आया है कि वीडियो में दिख रहा शख्स नाबालिग है। हालांकि अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ कि क्या यह वीडियो मॉक वेटिंग के दौरान शूट किया गया है या असली वोटिंग के दौरान शूट किया गया। फिलहाल पुलिस वीडियो में दिख रहे युवक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, अगर चुनाव आयोग को लगे कि यह गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो बीजेपी की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी। वहीं इस मामले में अब फरुखाबाद के जिलाधिकारी आयुष चौधरी ने बयान दिया है, क्या कुछ कहा है सुनिए। मीडिया पर वायरल होने के उपरांत अलीगंज एसडीएम एआरओ द्वारा उसका संज्ञान लिया गया और उस पर उनके द्वारा स्वयं प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और उसका इन्वेस्टिगेशन और जो भी जाँच प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और प्रभावी कार्रवाई, जो भी कठोरतम प्रभावी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कृत कार्रवाई से आरओ जनपद फरुखाबाद को भी अवगत करा दिया गया है और जैसी भी आगे जो भी प्रगति होगी उससे हम अवगत करा। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।